नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। आज हम बात करेंगे हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं बोरियो विधायक लोमिन हेब्रम के बीच की दूरी को लेकर। जी हां, पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने अपना अलग से कार्यक्रम वीर सिद्धू कानू की धरती पर किया है। जी हाँ, हम बात करेंगे बोरियो विधायक लोमिन हेब्रम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच लगातार तल्खी के बारे में, जहां आज भी हूल दिवस के अवसर पर लगातार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में बोरियो विधायक लोमिन हेब्रम ने सभा की और सरकार को जमकर कोसा। मौके पर जहां एक ओर फुटबॉल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपनी योजनाओं का और सरकार के गुणगानों का बखान कर रहे थे, दूसरी ओर बोरियो विधायक लोमिन हेब्रम जो है सरकार पर लगातार हमला कर रही थी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुनावी वादों को याद दिला रही थी। वहीं बोरियो विधायक लोमिन हेब्रम के सभा में भी हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे और बोरियो विधायक की बातों को सुन रहे थे। जहां बोरियो विधायक लोमिन हेब्रम ने लोगों के बीच राज्य सरकार की जमकर कमी निकाली और जमकर भड़ास निकाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इससे पता चलता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के बावजूद लोमिन हेब्रम के बीच दूरी किस प्रकार बढ़ी है और किस प्रकार तल्खी के कारण जो है मुख्यमंत्री के बगल में सभा कर लोमिन हेब्रम ने चुनौती दी है। और सबसे बड़ा सवाल कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हूल दिवस के अवसर पर जेएमएम के विधायक ने मुख्यमंत्री को आईना दिखाते हुए बगल में सभा कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में बोरियो विधायक लोमिन हेब्रम मुख्यमंत्री के ऊपर कितना हमला करते हैं और पार्टी में बनकर किस प्रकार से लड़ रहे हैं, यह देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24। मिली जुली की बिना करना प्रोग्रेस है ना को आज मैं बेरा की जनता दर सरकार बिना आप आई मैं बैठा रहे हेमंत सोरेन साहब पे जो तो स्टेज में ही नहीं रहे करा ये सरकारी स्टेज में हेमंत सोरेन और अदवा स्टेज में अब इंदर हेमंत